नमस्कार सबको नमस्कार सर गुरु गुरुजी नमस्कार बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर तो आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल से कि हम क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एक बात जो हम काफी समय से भूल चुके हैं कि जैसे मैं हूँ मेरा जन्म इंडोनेशिया में हुआ था 65 फाइव अगो तो हम इंडोनेशियन हैं और इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर इंडिजिनस हिंदूज़ हैं बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें से मेरे मेरे पिताजी और माता जी वो सिंध से आए हुए थे तो हमारा कनेक्शन है इंडिया से लेकिन यहाँ के जो ओरिजिनल हिंदूज़ हैं उनका कोई कनेक्शन भारत से नहीं है वो पैदा ही यहाँ पर हुए हैं उनके बाप दादे सब जो हैं इंडोनीशियन थे तो ये जो इंडिजीस हिंदूज़ हैं वो यहाँ पर है और सारे इंडो चाइना रीजन में है वियतनाम में आपको मिलेंगे कम्बोडिया में मिलेंगे तो इनका जो है हमने कभी सोचा नहीं है हम अभी अभी तक जो है हमारा जो ओरिएंटेशन है सारा जो फोकस है वो है इंडियन हिंदूज पर यहाँ पर जो हिंदू हैं उनके तीर रीत रिवाज जो है दूसरे हैं उनकी दिवालियाँ दूसरी हैं उनकी होलियाँ दूसरी हैं उनके सब त्यौहार दूसरे हैं वो मंत्र जो उच्चारण करते हैं वो अलग हैं उनकी जो पूजा की विधि है वो अलग है तो हम अब हिंदू की जगह बात करते हैं तो वी हैव टू गो बियॉन्ड द बॉर्डर्स भारत की जो सीमाएं हैं उससे बाहर हमको जाना पड़ेगा जैसे मॉरिशस में है या सुरिनाम में है तो वहाँ पर जो है इंडिया के हिंदूज गए हैं वहाँ पर काम करते हैं दो तीन सौ सालों से या कुछ सालों से लेकिन यहाँ पर जो है इनकी हिस्ट्री जो है आप देखेंगे तो हजारों सालों से ये लोग हिंदू हैं और उनका ये जो कनेक्शन है जो हमारा कनेक्शन है जैसे इंडिया से वो कनेक्शन है नहीं तो इनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा अभी एक बात जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पर अगर हम हिंदुज़म के बारे में, बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर छ रिलीजन है जिसको मान्यता मिली हुई है गवर्नमेंट से उससे ज़्यादा रिलीजन को मान्यता नहीं है उन छे रिलीजन्स में छे धर्मों में उसमें हिंदुजम आ जाता है लेकिन फिर एक इतना बड़ा वर्ग है यहां पर जो लोग उनके आईडी कार्ड में हिंदुजम लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो यहां के इंडिजिनस फेथ बिलीव करते हैं और अपने आप को विवितान बोलते हैं विवितान का मतलब संस्कृत में होता है सनातन तो अगर हम सनातन ही यहां पर ढूंढेंगे तो हमको कम से कम 40-45 प्लेट मिल जाएंगे 270 मिलियन की आबादी है उसमें 40-45 मिलियन हमको सनातनी मिल जाएंगे जो अपने को हिंदू नहीं कहलाते हैं लेकिन सनातनी कहलाते हैं उनकी जो सब जो विचारधारा है फिलासफी है उनका जो तत्व है वो सब सनातन धर्म पर आधारित है और यहाँ पर जो उनका जो हिंदुज़्म है उनकी जो पूजा वगैरह है वो मेरे ख्याल से प्री वैदिक जमाने से यहाँ पर है तो वैदिक और प्री वैदिक ज़माने का और पुराण का जो है इतना पुराणों का इतना यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था बाद में हुआ तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि हम जो है हिंदू जो है हिंदू फैमिली जो है वो सनातनी फैमिली है उसमें बहुत से आ जाते हैं जिसमें भारत के लोग नहीं हैं और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो अभी जो आ रहे हैं मेरे ख्याल से ये बीजेपी वाला हो बीजेपी का जो जो है वो अगर हो तो उनके हवाले से मैं कुछ कहना चाहूंगा कि भारत में जो काम चल रहा है वो ठीक है वहां पर आरएसएस है बीजेपी वगैरह है वहां पर काम चल रहा है वो ठीक है यहां पर कुछ करना पड़ेगा और उसमें कौन काम करेगा उसमें जो है कुछ हिंदू महासंघ या हिंदू विश्व परिषद उनको जो है ज़रा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और जब भारत के बाहर आते हैं तो भारत की पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं लाएं। अगर भारत की पॉलिटिक्स यहाँ पर लाते हैं तो हमारा गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो जाता है इमीडिएटली प्रॉब्लम हो जाता है अगर आर आता है या वी आता है अपना भारत का एजेंडा लेकर आता है तो हमको प्रॉब्लम रहता है तो ये बातें जो है मेरे ख्याल से कुछ पूरी तरह समझ में नहीं समझ आई है, है वहाँ पर न हमारे इंडियन मिशन को यहाँ पर समझ में आती है न फॉरन मिनिस्ट्री में यहाँ पर समझ में आती है जैसे मैं आप एक उदाहरण देता हूँ कि जब मोदी जी यहां पर आए वो एक इबादतगाह में गढ़ा में गए और वहां पर उसने अपना वो नगारा बजाया डंका दंक, जो इसको बोलते हैं अब अगर ड्रम बजाते हैं शिंतो के टेम्पल में जापान में तो वो ठीक है वो ठीक है लेकिन यहां पर जब नगारा बजाते हैं तो उसका मतलब ही और हो जाता है वो नगारा तब बजाते हैं जब यहाँ पर हिंदू की डायनेस्टी जो है लास्ट जो राज्य था हिंदू का जब उसका खात्मा हुआ कतले आम हुआ हिंदुओं का तब उन्होंने नगारा बजाया था और ये मोदी जी वहां पर जाते हैं और वहां पर नगारा बजाते हैं तो इसमें मोदी जी की तो को, कोई बात नहीं उसको शायद पता भी ना हो लेकिन जो इनके कार्यकर्ता है उनको तो पता होना चाहिए और उनका इफेक्ट क्या पड़ेगा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यहां पर कम से कम सात आठ मिलियन हिंदू हैं जो उनके आधार कार्ड जैसे आईडी कार्ड आधार कार्ड वहां पर होता है तो आईडी कार्ड होता है यहाँ पर उसमें लिखा हुआ है वो लोग हिंदू हैं और वो इंडिजिनियस हिंदू है और उसके उसके सिवाय तीस चालीस मिलियन सनातनी हैं जो अपने को हिंदू नहीं कहलाते हैं लेकिन उनका सब जो है फिलोसफी वगैरह वो सब हिंदू है तो इनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा और ये अगर हम सोचेंगे तो हमारा जो सनातन परिवार है वो बहुत बड़ा हो जाता है उसमें शिनतो आ जाएगा उनमें बहुत सारी जो धर्म धर्म है बाहर वो सब आ जाते हैं इन लोगों को ना हिंदी आती है ना संस्कृत आती है और इनके ऊपर हम संस्कृत और हिंदी तापेंगे तो उनका कुछ असर नहीं होगा इट विल नॉट हैपन यहां पर इनकी भाषा में हमको बोलना पड़ेगा बात करना पड़ेगा 180 के ज्यादा मैंने किताबें लिखी हुई हैं तो उसमें सब इंडोनेशियन मोस्टली इंडोनेशियन में है ये बहुत से डाइमेंशंस जो हैं वो बुल्क हैं भारत में जो बैठे हैं उनका इतना इतना ध्यान नहीं इन पर लास्ट टाइम एक जनसंघ ही यहाँ पर था मेरा फादर उस, उस वक्त उसको इंटरप्रेट करते थे उनका नाम था तो वो प्रोफेसर थे रघुवीर प्रोफेसर रघुवीर प्रोफेसर रघुवीर जो आया था वो नाइनटीन में उसने वो बात समझी थी और अध्यक्ष रहा जन, जनसंघ से पहले जो था जनसंघ में वो अध्यक्ष रहा एक साल तक उसकी डेथ हो गई तो उसने समझा और उसने बहुत सी पुस्तकें लिखी इनका उसके बाद जो है वो कुछ फॉलो अप नहीं हुआ तो ये सब बातें हमको समझनी पड़ेगी कि भारत के सिवा बाहर जो हैं कितने हिंदू हैं कितने सनातनी हैं और इनसे कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं अपनी जो जो रिलेशन है वो रिवाइव कर सकते हैं पहली बार जैसे यवद्वीप जावा जिसको बोलते हैं यव द्वीप का जो है आ, पहली बार आ, डिस्क्राइब हुआ है रामायण में वाल्मीकि रामायण में जब सुग्री बेचते हैं सब बानरों को तो उसमें यव द्वीप भी आता है यव द्वीप में भी जाओ वहां पर भी सीता माता को खोजो तो ये हमारा जो रिश्ता है बारह तेरह हजार सालों का चौदह हजार सालों का और यहां पर जो अभी इंटर आ, इं, आ, नासा से सेटेलाइट पिक्चर्स आए हुए हैं तो उसमें ईरान से लेकर इंडोनेशिया के सत्रह हजार द्वीप है सत्रह हजार हैं इंडोनेशिया में ये सब मिले हुए थे ये सब मिले हुए थे तो ये सब मिले हुए थे और हम एक ही जम्बू द्वीप के एक ही एक ही द्वीप के लोग थे अगर ये आप हाँ बात समझें तो हमारी जो ताकत जो है बढ़ जाएगी बहुत सारी ताकत बढ़ जाएगी एंड मैं यही सबको रिक्वेस्ट करूंगा विनती करूंगा कि हम थोड़ा अभी भारत के बाहर की बात करें इतने मॉरिशस से मैंने सुना अभी आचार्य जी भी हैं और भी हैं शायद मॉरिशस से और कई जगहों से होंगे तो हम भारत की बात करें भारत की बात तो ज़रूर करेंगे लेकिन उसके बाहर की भी बात करें और जो लोग अभी यहाँ पर है उन सबको मैं इनवाइट करता हूँ कभी आपको टाइम मिले तो इंडोनेशिया में आओ बाली में हमारा आश्रम है जकार्ता में हमारा आश्रम है जो जकार्ता में हमारा आश्रम है तो वहां पर भी आप आए और आप खुद देखें कि क्या कर सकते हैं हमको यूनाइटेड होना पड़ेगा और यूनाइटेडली हमको कुछ काम करना पड़ेगा इन सब के लिए तो ये मैं ये मेरे जो थॉट्स थे मेरे जो विचार हैं आपके सामने मैंने रखा और मुझे क्षमा करेंगे कि मैंने हिंदी सीखी नहीं है जो भी थोड़ी बहुत आती है हिंदी में मैं बात किया तो क्षमा प्रार्थी अगर कुछ पूर्ण हुई हो, नमस्कार। सकते जी? आप गुरु जी आपने जी? जितना बढ़िया हिंदी बोला है जी? शायद यहाँ पे अब कम लोग बोल पा रहे हैं क्योंकि वो अंग्रेजी का मिश्रण कर दिए हैं हिंदी अब अंग्रेजी से मिश्रित होके हो सब के चलन में आ गई है लेकिन बहुत अच्छा लगा गुरु जी आपने जो बात रखी